आप एक औरत हो और आपने रिसेंटली अपने जीवन साथी को खोया है, चाहे वो किसी भी वजह से। आप ऑलरेडी उसका पेन झेल रहे हो, उससे सफ़र कर रहे हो, लेकिन इसके पश्चात आपके आसपास रहने वाले घटिया लोग जो आपको ज्ञान देने के लिए आएंगे, वो कहेंगे अब आप एक विधवा हो और आपको बेचारी बनकर रहना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में इसके क्या मायने हैं और क्या नहीं है, और भगवान हमें क्या ये बिल्कुल सच में एक जनरलाइज चीज़ें करके देखते हैं कि मतलब अगर आप स्त्री हो तो आपके लिए सारी चीज़ें ऐसे मैटर करेंगी, अगर आप पुरुष हो तो ऐसे करेंगे। क्योंकि आपने क्या देखा होगा, जब एक पुरुष अपनी महिला साथी को खोता है तो उसके लिए सारी चीज़ें एज इट इज सेम रहती हैं, जैसे पहले से वो जीवन जीते आया है। लेकिन जैसी एक स्त्री अपने जीवन साथी यानी कि पुरुष को खोती है तो उसके लिए सारी चीज़ें बदल जाती हैं। उसके लिए पूरा ड्रेस कोड, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका रहने का तरीका, उसको बेचारी बन के रहने का तरीका, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन पुरुषों के मायने में ये सारी चीज़ें अलग रहती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या भगवान के घर में या भगवान का थॉट प्रोसेस भी क्या ऐसा ही रहता है कि एक स्त्री अगर वो अपने जीवन साथी को खोएगी तो उसके बाद में उसको सफ़र करना पड़ेगा, या उसके साथ में ये सारी चीज़ें होंगी जो ये समाज रूपी जो फालतू लोग रहते हैं जो अपने आप को भगवान का दर्जा देते हैं और फालतू का ज्ञान आप पे थोपना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का कोई महत्व है या नहीं। तो मेरे साथ में बने रहिए, मैं हूँ सुभाष, आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन काना चैनल को, और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और इस वीडियो के पश्चात मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप इस वीडियो को सुने ना, बल्कि आज जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ उन बातों को, उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें अगर आपको सही लगता है तो। लेकिन मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन फालतू लोगों के थॉट प्रोसेस को अपने ऊपर लागू मत होने दो, नहीं तो आप जितना ऑलरेडी तो अपने पूरे लाइफ को सलाखों के पीछे गुजारता है, उससे उसकी थॉट प्रोसेस को पूछिए कि अगर उसको 10 मिनट कर रहा हूँ, मैं उन स्त्रियों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने सभी की तरह एक नेचुरली शादी का प्रोसेस किया है, सारे वो रिचुअल्स जो यहाँ के फालतू लोगों ने बनाए हुए उनको फॉलो किया है, या इसके पश्चात किसी कारणवश उनका जो जीवन साथी है वो उनको छोड़ के चला जाता है, तो इसमें उनकी क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैं इसको स्पिरिचुअलिटी के मायनों पर आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम जन्म लेते हैं, वो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, आप एक फीमेल हो या मेल हो वो मैटर ही नहीं करता, बस आपकी कड़ी से कड़ी बनाई जाती है कि आपके जीवन में या किसी दूसरे के जीवन में आपकी साइकिल कितनी महत्व रखती है, वो आपका उनके पास में होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है। मान लीजिए आज मैं एक पुरुष हूँ, एक लड़का हूँ, तो मेरे साथ में जो लड़की होगी या जो मेरी धर्मपत्नी बनेगी उसके साथ में मेरी कड़ी मतलब कितनी हद तक बनती है, सिर्फ ये मैटर करता है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आज आप पुरुष हो क्या हो। पिछले जन्म में हो सकता है कि आज आप स्त्री हो तो पहले आप एक पुरुष हो सकते हो या दूसरे भी कुछ भी हो सकते हो, ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं। क्योंकि भगवान के यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका जो जीवात्मा रूपी आत्मा है, जो चेतना है, वो मैटर करती है। ये जो शरीर है ये आपने यहाँ पे ही बनाया है और यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके पश्चात इसके अंदर जो चीज़ है जीवात्मा रूपी, जिसको हम अगर इस शरीर से निकाल लेते हैं वो शरीर खराब हो जाता है, सिर्फ वही जीवात्मा रूपी जो चेतना है वही मैटर करती है। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी तो उसके मायने कई अलग हो सकते हैं, मैंने कई थ्योरी बताई हैं। जब हम स्पिरिट से जुड़ते हैं उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, जब लोग जल्दी अपनी आयु में चले जाते हैं तो उसके पीछे बहुत नेचुरल प्रोसेस रहता है, लेकिन ये जो सोसाइटी रहती है, ये जो समाज के लोग रहते हैं, उनके लिए पचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसका ही फायदा उठाकर ये तरह तरह की बातों को, तरह तरह के ज्ञान को, अपने फालतू के थॉट प्रोसेस को आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको उनके थॉट प्रोसेस से विचलित ना होकर, बल्कि आपको बेचारी बनने की जगह आपको एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनना है, और जैसे आप शादी से पहले जीते थे, आपको जरूरत है उसी रूप में, उसी एनर्जी के साथ में, उसी वाइब्रेशन के साथ में जीने की। ये आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है अगर आज आपका कोई जीवन साथी आपको छोड़ के जा रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में इसके मायने क्या हैं। जब भी कोई जन्म यहाँ पर ले, जन्म लेने से पहले हम अपने सारे मेजर इवेंट्स, यहाँ की हमें कहाँ पर जन्म लेना है, हमारी स्कूलिंग कहाँ से होगी, हमारी कॉलेज कहाँ से होगा, हमारी जॉब कहाँ पर होगी, हमारे कितने बच्चे होंगे, हमारी कितनी
सांसें होंगी, इसके साथ साथ तो हमारी डेथ ऑफ डेस्टिनेशन क्या होगा, डेथ का प्लेस क्या होगा, डेथ का मोड क्या होगा, डेथ कैसे होगी, सारी चीज़ों को हम प्री डिसाइडेड करके आते हैं। जब कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं या जल्दी छोड़ के संसार को चले जाते हैं तो उसके पीछे भी एक नेचुरल प्रोसेस रहता है। अगर आपको वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको इंडिपेंडेंट ज़्यादा दी हुई है, लेकिन यहाँ कुछ फालतू लोग धर्म का चोला ओढ़ करके आपके ऊपर फालतू के रिचुअल्स थोपने की कोशिश करते हैं जो कि आपको ज़रूरत है उन सारी चीज़ों से बचने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक आत्मा यहाँ जन्म लेने से पहले या इस आयु में आने से पहले या इस पाठशाला में आने से पहले अपनी सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड करती है। तो इसमें आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है आपको समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जैसे मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि मुझे समझ में नहीं आता, मान लीजिए मैं पुरुष हूं, अगर मेरी स्त्री चली जाती है तो मुझे हक है बाहर जाकर मुंह मारने का भी और सारी चीजें करने का भी, लेकिन अगर आप एक स्त्री हो और आपका कोई पुरुष साथी मर जाता है तो आपको कोई हक नहीं है, सिर्फ आपको बेचारी बनने का हक है। ये फालतू का ज्ञान जो ये समाज रूपी व्यक्ति आपके ऊपर थोपते हैं, इससे बचने की जरूरत है। बिल्कुल भी इनके बहकावे में ना आए, आप एक स्ट्रांग लेडी हो, आपको जो भी आपके सपने थे या जो भी आप करना चाहते थे, जो आपको मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई भी मतलब नहीं है। माफी चाहता हूँ, मैं किसी के वायलेंस के लिए सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका पेन जानता हूँ जो स्त्रियाँ इसको सफ़र करती हैं। ऑलरेडी उनके लिए ये जीवन जीना इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जिसके साथ में अटैच रहते हैं, अपनी खुशियों को संजोए रखने की कोशिश करते हैं, वही हमसे दूर चला जाता है, उसके पश्चात इतने हमें अकेले हो जाते हैं। फालतू के लोग फालतू का ज्ञान हमारे ऊपर जब थोपने के लिए आते हैं तो उससे कितनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, कितने कर्मा बिगड़ते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ना ही तो आप कोई भक्ति कर पाओगे, और भगवान को आपकी भक्ति की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक प्योर थॉट प्रोसेस की ज़रूरत है कि आप किसके प्रति क्या सोचते हो। तो प्लीज़ इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके ऊपर कुछ भी बोलना चाहे तो किसी की बात में भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत मजबूत हो, आप अभी आगे बहुत कुछ आपको करना है। यहाँ पे ना लोगों की कमी है, ना स्त्रियों की कमी है। अगर आपका मन करता है कि आपको आगे जाना चाहिए तो बिल्कुल बेशक जाइए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ तो बिल्कुल मत जाइए। जो आपका मन करे, जो आपका चित्त आपको अलाउ करे वो कीजिए। ये सारी चीज़ें वैसे भी टेम्परेरी हैं, इस जीवन का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ इतना सही है आप एक एग्ज़ाम देने आए हैं, ये एग्ज़ाम देकर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये बताना मुझे इसलिए पड़ता है कि बहुत सारे लोग इसको परमानेंट समझ के बैठे हुए हैं, तो उनके लिए अगर ये परमानेंट आप समझ भी रहे हैं तब भी आप इसको अपनी तरह से जिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ही आपकी सोल की वृद्धि चाहिए, आपको ही वो रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे कि आपका मोक्ष का रास्ता निकल सके। और वो वही है, जब तक आप कर्मा नहीं करोगे, वो फालतू की भक्ति में लग जाओगे, सफ़ेद कपड़े पहनोगे, अपनी लाइफ को अपने तरह से नहीं जियोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ रिग्रेट के माध्यम से ही अपने जीवन को ख़त्म करोगे। तो आज की वीडियो का सिर्फ इतना सही संदेश था कि किसी के कहने पर आप कुछ ना करें, अपने माध्यम से ही सब कुछ करें, जो आपका चित्त बोलता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलाउ करता है वही कीजिए। ये फालतू जो लोग हैं ये आएंगे आपके लाइफ में, इनको साइड करते जाइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Thank you.